शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले चंगर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय लंज में कई दिनों से प्रोफेसर्स की कमी को देखते हुए विद्यार्थियों में रोष पनप रहा है। विद्यार्थियों ने बताया कि कई दिनों से प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग को चेताया भी था कि लंज महाविद्यालय में प्रोफेसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। साथ ही महाविद्यालय की कक्षाएं एक पुराने भवन में चल रही हैं, जहां पर बारिश में कक्षा के दौरान पानी टपकता है और ये डर रहता है कि कहीं भवन गिर ना जाए। छात्रों ने कई बार प्रशासन से मांग की थी कि महाविद्यालय की कक्षाएं नए भवन में चलाई जाएं, लेकिन उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लंज महाविद्यालय में 20 से 25 किलोमीटर दूरी तय करके विद्यार्थी पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अगर क्षमता के अनुसार यहाँ पर प्रोफेसर की कमी को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन करने से भी वे गुरेज नहीं करेंगे। ये हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, क्योंकि ये हमारे कॉलेज के सभी भविष्य का सवाल है, उनके बच्चों का। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पढ़ेंगे कैसे? जैसे मेरे साथी ने बताया आपको कि 3 दिन हमारे टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है किसी और कॉलेज में, तो वैसे ही हमारी 2 दिन क्लास लगती है और उन 2 दिनों में 3 दिन टीचर्स चले जाएंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? और हमारे जो पॉलिटिकल के बच्चे हैं उनकी तो क्लासेस भी नहीं लगती, 2 साल से वैसे ही चलता रहा है, और इंग्लिश तो सब पढ़ते हैं, उनकी क्लासेस नहीं लगी। ऐसे ही हम चलता रहा तो हम पढ़ेंगे कैसे? थैंक यू। ये कर रहे हैं, हमारा ये जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है ये टीचरों की कमी के खिलाफ हो रहा है। हमारे यहाँ पर हमारे इस विश्वविद्यालय में जो है 2 वर्षों से पॉलिटिकल साइंस के एक टीचर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, और लगभग आज 8 से 10 महीने हो गए हैं। एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उनकी पोस्ट खाली पड़ी हुई है। और बाकी दूसरी बात ये है कि हमारे कॉलेज में प्रोफेसर जो हैं उनको भी दूसरे कॉलेज में उनकी शिफ्ट लगाई जा रही है बाकी क्लासे लगाने के लिए। तो इससे जो है विद्यार्थियों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है पढ़ाई के ऊपर। वैसे यहाँ पर 2 दिन के लिए कॉलेज खोले जा रहे हैं जिससे पढ़ाई के ऊपर डिस्टर्बेंस हो रही है। इसलिए हमारी यही सरकार से मांग रहेगी कि जल्द से जल्द टीचरों की पोस्ट को भरा जाए, क्योंकि हम पिछले कई सालों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं मगर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी टीचर नहीं आ रहे हैं। हमें जो है आश्वासन पर आश्वासन दिए जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लगभग 15 से 20 पंचायतों के बच्चे आते हैं, मगर उनके भविष्य के साथ जिस तरह से अनदेखी की जा रही है, खिलवाड़ की जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास इंग्लिश के प्रोफेसर की थोड़ी चली हुई है, मैडम जो यहाँ थे वो रिज़ाइन करके चले गए ऑस्ट्रेलिया, और एक पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा पद है या म्यूज़िक के प्रोफेसर हैं उनका जो है वो वेकेंट चल रही है। तो हमने सरकार को भी लिखा भी है, अभी भी मैंने कल तो डायरेक्टर साहब मीटिंग में बिजी थे, अभी भी मेरी 5 मिनट पहले डायरेक्टर साहब से बात हुई है, तो अभी वो मीटिंग में हैं, गए हुए हैं, और कहते जैसे ही मैं मीटिंग से आता हूँ वैसे मैं डेपुटेशन पे 2 टीचर भेजता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के और इंग्लिश के प्रोफेसर। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। आप पिछले 2-3 साल से देखें तो हमारे इंग्लिश में मैक्सिमम कंपार्टमेंट्स रही हैं बच्चों के, तो इंग्लिश की ये ज़्यादा कह रहे हैं कि इंग्लिश के प्रोफेसर होने चाहिए। तो उसके लिए यही है कि गवर्नमेंट को भी हमने बहुत बार लिखा है, और सरकार भी है, बहुत से पद शायद जल्दी ही वो एडवर्टीज कर देगी, लेकिन फिलहाल जो माननीय डायरेक्टर महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि आज 4 बजे से पहले नहीं तो कल पक्का डेपुटेशन के लिए 3 दिन के लिए इंग्लिश के और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर लंज कॉलेज में को दे दिए जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।